हेलो एवरीवन, आज की न्यूज इंडिया से नहीं बल्कि श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाय राजपक्षा ने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन क्यों किया है वो आप और हम जानते ही है। रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई है कि जो घर पहले 20,000 में चलता था आज वही घर 50,000 में चल रहा है। मैं इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, करेंसी कन्वर्जन के बाद। और तो और महंगाई तो महंगाई, महंगाई के अलावा बिजली की भी प्रॉब्लम है। दिन में सिर्फ 2-3 घंटे वहां बिजली आती है, प्लस राशन नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका एक छोटा कंट्री है और मैक्सिमम गुड्स वो इंपोर्ट करता है। इंडिया के केस में हम एक बहुत बड़े नेशन है और हम सब कुछ खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लस हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि जो भी लग्जरियस चीजें हमें चाहिए जैसे कि लग्जरी कार्स, तो वो सब हम इंपोर्ट कर सकते हैं। पर श्रीलंका वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो है डेब्ट में। देखिए, कोई भी कंट्री चलाने के लिए कैश का फ्लो होते रहना बहुत जरूरी है और प्लस जीडीपी ग्रोथ होना भी बहुत जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ यानी कि क्या? कि कोई भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने का टोटल कॉस्ट कितना है। फॉर एग्जांपल, एक 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट आप खरीदते हैं तो वो बिस्किट परचेस करने में कितने लोग जुड़े हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, तो ये पूरी एक चेन बनती है और फाइनली प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है और आप पैसे देके वो सर्विस ले पाते हैं ताकि इजीली आप कोई चीज को कंज्यूम कर सके। अब बिस्किट हो या फाइटर जेट, हर एक चीज की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। जो हम पे करते हैं तो हमें वो चीज मिलती है। पर श्रीलंका पे डेब्ट है और प्लस उसका जीडीपी ग्रोथ भी नहीं हो रहा, तो वो कैसे डेब्ट रीपे करेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और आसपास के कंट्रीज थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते हैं समय समय पर ऐसी सिचुएशन आई ही क्यों? ऐसी सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि 2019 में जब गोटाबाय राजपक्षा प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने कहा था कि वो इकोनॉमी को रिवाइव कर देंगे, देश को एक अच्छे और ऑर्गेनिक पाथ पे लाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, टूरिज्म को बढ़ाएंगे और दुनिया को बेटर कर देंगे। ये प्रॉमिसेस के साथ वो 19 में आए और 20 से लॉकडाउन शुरू हो गया और लॉकडाउन में इकोनॉमिक मूवमेंट कुछ हो नहीं पाई, जिसकी वजह से आज देश की ये हालत है। अब ये सब सोच के लगता है कि कहीं इंडिया के भी ऐसे दिन ना आ जाए। हर इंसान घर बैठा फिलहाल यही सोच रहा होगा कि अरे हमारे यहाँ ऐसा हो गया तो मैं आपको कहता हूं कि ऐसा इंडिया में कभी नहीं होगा। पहला रीजन तो यह है कि राम राज्य प्रजा सुखी। दूसरा रीजन यह है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी डाइवर्स है, इतनी बड़ी है, 140 करोड़ लोग है इस इकोनॉमी में। और तो और जो भी मेजोरिटी ऑफ द गुड्स हम कंज्यूम करते हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं। और एक चीज जिसमें मोदी जी की गवर्नमेंट की तारीफ होनी चाहिए वो है मेड इन इंडिया। वो जो मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाए वो नया नहीं है, कई सालों से इंडिया में ये सब चीजें प्रोड्यूस हो ही रही थी। पर हर लेवल पे जो वो छोटे छोटे चेंजेस ला रहे हैं इस बारे में, इट इज वेरी गुड। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन कि इंडिया के कभी भी श्रीलंका जैसे दिन नहीं आएंगे वो है इंडिया के लोग। इंडिया के लोग तकलीफ सह लेंगे, इंडिया के लोग लॉकडाउन सह लेते हैं, इंडिया के लोग भूखे भी रह जाते हैं और इंडिया के लोग पैदल चल भी जाते हैं कई किलोमीटर, पर अपने देश से गद्दारी नहीं करते। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए पर हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम साथ मिलके सॉल्व कर लेते हैं और यही हम इंडियंस की बेस्ट एबिलिटी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर कंट्री में, हर इंसान में, हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, पर यह हमारा काम है कि धीरे धीरे हम हमारी खराब आदतों को हटाए और अच्छी आदतों को अपनाएं और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।